हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन जिस क्वेश्चन में हमें क्या क्या, क्या बोला गया इसमें बोला कि हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है फ्रॉम द ऑप्शंस जो हमें दिए गए हैं स्टेटमेंट्स एंड उसमें से दीज आर विथ रिस्पेक्ट टू डाई हाइब्रिड क्रॉस तो हमें यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं नाउ इस क्वेश्चन की अगर हम की mm कॉन्सेप्ट -hmm. के बारे में बात करते हैं सो दैट विल बी रिकॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन के बारे में से पहले वी नीड टू नो की डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है तो so, डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि हम लोग जो पेरेंट्स का क्रॉस करते हैं टू फाइंड आउट देर फिनो टाइप ऑफ द ऑफ स्प्रिंग उसमें इन डाई हाइब्रिड क्रॉस हम लोग दो ट्रेड्स का यूज करते हैं लाइक like, अगर हम लोग पी प्लांट्स में क्रॉस करवा रहे हैं तो उसमें दो ट्रेड्स को वी विल कंसिडर एंड उसके बाद फिर उसके ऑफ स्प्रिंग्स के फिनो टाइप के बारे में हम लोग पता करेंगे सो देट मीन्स अगर हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग सीड्स को कंसिडर करते हैं तो सीड के कलर एंड सीट के साइज दट इज दे आर कंस्ट्रिक्टेड और इन्फ्लेटेड उनको हम लोग लेते हैं सो इस तरह दो ट्रीड्स हम लोग यहाँ यूज किए सिमिलरली ना अगर हम लोग बात करते हैं रिकॉम्बिनेशन के बारे तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज अ प्रोसेस वेर रिकम्बाइनिंग ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोजोम इज डन टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स विथ न्यू जीन कॉम्बिनेशन इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे कोई स्पेसिफिक जीन्स को लेते हैं एंड देन उसके बाद उसमें हम लोग रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस कराते हैं देट मीन्स दोबारा से कम्बाइन कराते हैं so सो दैट हमें क्यू कोई नया तरह का जीन कॉम्बिनेशन मिले एंड हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो प्रोसेस था विच वॉज इन्वेंटेड बाई मॉर्गन एंड हिज ग्रुप एंड इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने कुछ टाइटली लिंक्ड जीन्स लिए थे सबसे पहले सो हेवे कैन राइट कुछ टाइटली लिंक्ड जीन्स थे एंड कुछ लूजली लिंक्ड जीन्स थे तो जब उन्होंने इनका रिकॉम्बिनेशन कराया तो ही फाउंड आउट कि जो लूजली लिंक्ड जीन्स हैं वो ईजिली रिकम्बाइन कर गए वेर जो टाइटली लिंक्ड जीन है उनकी बात करें तो उनमें रिकॉम्बिनेशन बहुत कम हुआ था दैट मीन्स टाइटली लिंक्ड जीन में लो रिकॉम्बिनेशन हुआ था तो इससे हम लोग को क्या समझ में आया इससे ये समझ में आया कि जितना टाइटली लिंक्ड जीन रहेगा तो उसमें रिकॉम्बिनेशन जल्दी नहीं हो पाएगा दैट इज द रीजन हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा करेक्ट स्टेटमेंट दैट विल बी ऑप्शन सी जहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइटली लिंक्ड जीन्स जो है ऑन द सेम क्रोमोजोम शो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन अब अगर हम बाकी स्टेटमेंट्स की बात करें जैसे फ्यू तो रिकॉम्बिनेशन गलत है, है जीन्स तो वो जितना भी दूर में रहे लेकिन उनका रिकॉम्बिनेशन जो है वो एक्चुअल अमाउंट जितना होना चाहिए उतना ही होगा बिकॉज वो सेम क्रोमोजोम्स में नाउ बी में लिखा है कि जीन्स विच आर लूजली लिंक्ड इन द सेम क्रोमोजोम शो सिमिलर रिकॉम्बिनेशन एस अ टाइटली लिंक वन ये इनकरेक्ट है ये हमारा स्टेटमेंट ए भी इनकरेक्ट था क्योंकि अगर स्टेटमेंट ए की हम बात करें तो उसमें हम लिख सकते हैं कि अगर जो हमारा जीन्स है तो जो है, वो डज नॉट मैटर वो मैटर नहीं करता है बिकॉज उसके इसमें रिकॉम्बिनेशन जो है वो एक्चुअल जितना होना चाहिए दैट विल हैपन नाउ बी में लिखा है कि जो लूजली लिंक जीन्स है और टाइटली लिंक जीन्स है दोनों में रिकॉम्बिनेशन एक तरह का होता है ये गलत है बिकॉज हम लोग यहीं से पढ़े थे दोनों में अलग तरह का रिकॉम्बिनेशन होता है नाउ सी में जो था वो तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया और डी में जो लिखा है टाइटली लिंक जीन्स ऑन द सेम क्रोमोजोम शो हायर रिकॉम्बिनेशन ये भी गलत है बिकॉज वो फ्यूअर रिकॉम्बिनेशन दिखाता है दैट इज द रीजन ऑप्शन सी इज करेक्ट होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक थैंक यू